गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 की एंड क्वार्टर से है। यहाँ पे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सब की के बारे में था। अभी तक हमने जितने भी की पढ़ी है, फ्लैट की हो, सैडल हो, शंख की हो, वो हमने सब की पढ़ा। आज के बाद से जितने भी टॉपिक आएंगे, एटलीस्ट फोर टॉपिक आएंगे जो कि आपके क्वार्टर के होंगे। तो यहाँ पर सिंपली वे में हम देखते हैं 2 मार्क्स की थ्योरी। क्वार्टर क्या है? क्वार्टर कहता है A quarter is a flat width shape metal piece of rectangular cross section। सबसे पहले जो आपका quarter है वो flat portion है और metal sheet का बना हुआ rectangular shape का, ठीक है। It is uniform in thickness और उसकी कुछ thickness भी है, but it has taper in width throughout its length। अब ये जो कहा इसने कि किसी केस में एक लेंथ जो होगी वो टेपर होगी। अब वो कौन से में होगी? देर आर 2 types ऑफ क्वार्टर। नंबर 1, यहां पर नंबर 1 पे हम इसको लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन साइड टेपर। मतलब ये जो है, ये नीचे वाली लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बट ऊपर वाली जो है वो हल्की सी फ्लैट है। यानी कि यहां पर हम ये ले सकते हैं टेपर। टेपर कितना? 1:100, ठीक है। यहां पर 1:100 है, तो ये है वन साइड टेपर, यानी कि इसकी एक साइड में टेपर होगा, एक साइड बिल्कुल फ्लैट होगी। नॉर्मली मैं दिखाना चाहूं, यहां पर एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। अगर हम इसका 3D डायग्राम देखें तो यहां पर स्क्रीन पे है, ये है इसका 3D डायग्राम। आप देख रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन एक साइड का फ्लैट है और एक साइड का क्या है? टेपर में है। तो ये है आपकी क्वार्टर, वन साइड टेपर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो जो कि यहां पर है दूसरे नंबर के 2 side taper, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? बोथ साइड टेपर लगा हुआ है। इस तरफ भी टेपर है और इस तरफ भी टेपर है, तो ये दोनों तरफ लगा हुआ है। अगर इसका हम 3D डायग्राम देखें तो ये है स्क्रीन पे, यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको। इसकी देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ जो है स्पेस ज्यादा है और नीचे की तरफ कम है, और बोथ साइड क्या है? एक टेपर एंगल दिया हुआ है। तो ये है 2 types, ठीक है, 1 side and 2 side। अब हम बात करते हैं क्वार्टर कितने टाइप के होते हैं। तो क्वार्टर्स हैं, वैसे तो टाइप्स होती है बहुत सारी, पर यहां पर 4 topic जो है मेन आपके हैं। 4 types हैं जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। यहां पर सबसे पहले नंबर वन पे आता है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इसका जो 3D डायग्राम होगा वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट सामने स्क्रीन पे है, ये है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। इसका जो आंसर होगा वो हम अपनी वीडियो में बनाएंगे, साथ साथ 3D देखेंगे। आपको एग्जाम में जो मिलता है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का, 3D भी मिल सकता है या डिटेल ड्राइंग मिलेगी। अगर डिटेल ड्राइंग मिलती है तो आपको उसको देखकर असेंबली बनानी होगी। तो मैं यहां पर एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट की डिटेल कैसी होती है। तो वो ये है स्क्रीन पे, यहां पर आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ 4 से 5 part है, ये अलग अलग है, और हमें करना क्या, इन सारों को एक साथ जोड़कर असेंबली कर देनी है और बना देना है इनको, ठीक है। तो इसको हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी की जो होगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहां पर मैं आपको अगला पार्ट बता देता हूं, गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। तो यहां पर क्या है, गिब एंड क्वार्टर जॉइंट क्या है? ये भी एक आपका क्या है, क्वार्टर्स के टाइप का आता है। अगर इसके हम देखें कि इसका 3D व्यू कैसा होता है या इसकी जो डिटेल होती है वो कैसी होती है, तो हम यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम है। तो यहां पर देखें इसके अंदर भी 3 से 4 part है, और इसको भी हमें क्या करना है, असेंबली करना विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर विद नीट एंड क्लीन, ठीक है। अगर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं तो तीसरे नंबर पे स्पॉकेट एंड सॉकेट जॉइंट्स आता है। इसका भी क्या यूज है, ये भी आपका जो है जॉइंट्स के काम में आता है, यानी कि किसी 2 shaft को आपस में जोड़ने के काम आता है, कोई लॉन्ग 2 shaft होती है उनको जोड़ने के काम आता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है, इन सारी की का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी कि जितने भी बच्चे DMRC या रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोको पायलट हुआ या रेलवे हुआ, अब की बार इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आ रखी है और आई है तो एक क्वेश्चन जरूर इनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर ये हो गया सॉकेट जॉइंट। आगे हम पढ़ते हैं नकल जॉइंट बोल सकते हैं या नकल दूसरा नाम है, और पिन जॉइंट, तो ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पिन जॉइंट के या नकल जॉइंट के नाम से। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक व्यू होगा, 2 आपस में रोड होंगे उनको कनेक्ट करके एक पिन डाल दी जाएगी, जैसे कि आप सामने यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है पिन जॉइंट या नकल जॉइंट के नाम से जाने वाला जो है आपका 3D डायग्राम है, ठीक है। इसको देखकर भी हमें क्या बनाना है, असेंबली बनानी है। तो आज की वीडियो में हम स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आता है। अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं हम कैसे प्रैक्टिकल करते हैं ड्राफ्टर की मदद से। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन ले ली है। अब रेफरेंस लाइन लेने के बाद हमें जैसे स्लीव बनाना है, तो मैं इसका 2D डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इसका 2D व्यू है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3D की,
सॉरी 2D की असेंबली की, ये थे डिटेल। अब हम असेंबली करते हैं, तो सबसे पहले हमें डी लेना होगा, और डी लेने के केस में क्या करना होगा, तो जो डी है वो तो नॉर्मल डी है ही है, उसके बाद डी के बाद जो हमारी साफ्ट का है 1.25D है, तो 1.25D। अब हम डी कितना ले रहे हैं, डी ले रहे हैं हम 20, कितना ले रहे हैं डी ले रहे हैं 20, तो हर केस में क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.25 इनटू डी, जैसे ही हम करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 24। तो हम क्या करते हैं 24 का हाफ यानी कि 12 हम यहां पर लेते हैं, 12 इधर लेते हैं, 12 का डॉट लगा लिया है और 12 का डॉट इधर लगा लिया, दो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक डॉट ये आ गया और एक डॉट ये आ गया। अब बोथ साइड हम ऐसा ही करेंगे, तो एक डॉट यहां पर आ गया, एक डॉट यहां पर आ गया, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ही आपको समझ में आएगा अभी, क्योंकि ये डायग्राम थोड़े हार्ड हैं। तो ये आ गया, हमने एक रेफरेंस बिल्कुल लाइट लाइन ली है मैंने अभी, ठीक है, मुझे पता नहीं है, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, मैं डार्क नहीं कर सकता यहां पर, ये लाइट लाइन ले ली है, शायद अब दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा फ्लैश की वजह से यहां से नहीं दिखाई दे रही होगी। फिर दूसरी यहां पर हम लेंगे, फिर एक और लाइट लाइन लेंगे, और जो ये डिस्टेंस होगा ये हो गया हमारा 24 का डिस्टेंस हो गया है, ठीक है, हमने बोथ साइड ले लिया टोटल 24 24, और एक लाइट लाइन यहां ले ली और एक लाइट लाइन, अगर मैं फ्लैश को एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी दोनों लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने फ्लैश को वापस ऑन कर दिया है, और अब यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा आगे हमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन लेनी है, सेंटर लाइन हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो हमने 90 डिग्री पे अपना ये सेट किया और यहां से ऐसे करके एक ये लाइन ले ली सेंटर लाइन, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये सेंटर लाइन ले ली। अब टोटल ये हमें पता चल गया, पर ये नहीं पता चला कि ये लेंथ कितनी है, तो इस लेंथ को हमें पाने के लिए क्या करना होगा, 7.6 इंटू डी, डी है 24, उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही 7.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो हमारे सामने आता 152, ठीक है, कितना आया 152 हमारे सामने, कितना आ गया, जैसे ही हमने 7.6 इंटू 20 किया तो हमारे सामने आई वैल्यू 152 का हम इस सेंटर पॉइंट से हाफ करेंगे, यानी कि हाफ जैसे ही हम 152 का करते हैं तो 76 आता है, तो ये आ गया यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 75 76। यहां पर हमने 76 का एक डॉट पॉइंट ले लिया इस साइड पे, और यहां पर ले लिया 152 का, तो 152 कहां पर आता है, ये आ गया हमारा 15, और इससे दो पॉइंट आगे ले लेंगे हम 1 और 2, तो ये आ गया हमारा 2। ये देखिए अब यहां से डॉट लगाया है और यहां तक का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सेम नीचे करेंगे, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए बोथ साइड, तो ये हमारा ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम एक लाइट लाइन ले लेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल लाइट लाइन ली है मैंने, और यहां पर लाइट लाइन ले लेंगे, यानी कि जितना भी काम करना है अब हमें इतने बॉर्डर के अंदर काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना, इन दोनों के बीच के अंदर अंदर हमें काम करना है यहां से यहां तक। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमने साफ्ट यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है, साफ्ट रिप्रेजेंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो स्लीव है यानी कि नंबर ऑफ स्लीव, अब स्लीव कैसा है मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये है स्लीव 2D में, ठीक है। अब यहां पर देखें ऊपर की तरफ से देखते हैं 1.3 है और नीचे 1.3D है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी 1.3D है। डाय की बात करें, इंटरनल डाया 1.25D जो कि हम ले चुके हैं ऑलरेडी, बार का डाया है 2.6D, तो अब हमें कितना लेना है, बार का डाया लेना है 2.6D। तो जैसे 2.6 इंटू डी करते हैं तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 52, तो हम यहां पर लेते हैं वापिस 52 का हाफ, तो हम 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 152 का आ गया हमारे सामने हाफ 26। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से सेंटर पॉइंट से हम लेंगे ऊपर की तरफ 26, तो ये आ गया 26 इस तरफ, अपोजिट साइड भी हम ऐसे ही लेंगे 26, और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे, फिर इसको ज्वाइन करवा लेंगे, डार्क जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा ऑलमोस्ट सारी लाइनें नहीं बन जाती हैं। तो ऊपर एक लाइन आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारी और ऊपर आ गई, अब हमें फिर नीचे 26 लेना है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, फिर 26 सॉरी सेंटर से लेना है, ये आ गया यहां से यहां तक 26 इस तरफ, और फिर इस तरफ लेंगे हम, तो ये आ गया हमारा 26 का, ये आ गया डॉट, और इसको हम फिर मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, ये तो आ गया साफ्ट, और ये बार वाली जो लाइन आई है, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है अभी, पता नहीं दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, मैं कोशिश करूंगा ऐसे,
ये देखो दिखाई दे रही है, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी आ गई 52 की, और अंदर वाली जो आ गई 1.25 के हिसाब से 24 की आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डार्क करने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो डार्क करने में बस हमें एक क्या है, थोड़ा सा स्लोट बन जाए फिर हम डार्क कर देते हैं। तो स्लोट का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें जो डाया लेना, ये लेंथ लेनी है जो हमारी की है, मैं एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर 2D व्यू दिखाना चाहूंगा आपको। तो ये है आपकी की 2D व्यू में, ऊपर का देख रहे हैं 1.3 है, 1.3D, और टोटल लेंथ है 4D, यानी कि 4D अगर 4 × 20 करते तो 80 आएगा। तो सेंटर लाइन से 20 ऊपर रहेगा, 20 नीचे, सॉरी 40 नीचे रहेगा, 40 ऊपर रहेगा, 40 ऊपर 40 नीचे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी शाफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे होगा। तो सेंटर लाइन से 40 का डॉट ऊपर लगा लिया, और 40 का डॉट इस तरफ लगा लिया, और फिर वापस हम इस तरफ करेंगे। यहाँ पर की को बनाने के लिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट को फोकस करना होगा। देखो यहाँ पर तामझाम बहुत है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आप अच्छे से समझें। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और एक लाइट लाइन यहाँ ले ली। अगर हम की बनाना शुरू करें, तो बनाना चाहें तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, बट क्या करना है आपको, पहले पूरी लाइट लाइन ले लेनी है जितनी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायग्राम को बस जस्ट अभी 1 मिनट में या 2 मिनट में हम रेडी करते हैं। स्टार्ट हो चुका है वैसे तो, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी जो लाइनें ली हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतना प्रोसीजर ले लिया, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ी फ्लैश ऑफ करूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई होप आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्टेंस है 1.3D, तो 1.3D के बेस पे आता है 26, तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 26 इस तरफ लेते हैं, हाफ नहीं लेना है, एंड कॉर्नर से जहां से ये लिया था ना, एंड कॉर्नर से 26 इधर लिया, सेम हम नीचे करेंगे, यहां पर 26, और इस लाइन को बिल्कुल लाइट वे में हम ज्वाइन करवा लेंगे, ऐसे ये आगे बिल्कुल लाइट वे में यहां पे ज्वाइन करवा लिया। सेम यही पैटर्न हमें क्या करना है, अपोजिट साइड करना है। तो ये क्या किया, 10, 20, 25 एंड 26 इस तरफ लिया, और लास्ट से 10, 20, 25 एंड 26 ये लिया। ये फिर एक लाइट लाइन ले ली, ये क्या ली है, जहां पे हमारी की एंटर होगी बोथ साइड से, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये देखें ये आ गई, ये हमने लाइट लाइन ले ली। अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि दिख रहा होगा, मैं इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ। अब यहां से हम डार्क करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो लाइन आएगी डार्क के केस में, यहां से यहां तक हम डार्क कर देते हैं, ये दिखाई दी, यहां से यहां तक डार्क कर देते हैं, ये बोथ साइड की डार्क कर दी। अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले सर्कल मास्टर लेना है, और यहां पर आर्क क्रिएट करनी है, छोटी सी आर्क। तो मैं यहां पर 4 mm वाली आर्क ले लूंगा, क्योंकि यहां पर शो भी नहीं कर रखा हमें क्वेश्चन में, तो मैं यहां 4 mm की आर्क क्रिएट करूंगा। तो यहां पर हमने ले लिया 4 mm की, देख रहे हैं आप आर्क लेने का तरीका मेरा। तो सेम ये हम यहां पर, याद रहे हर जगह वही होना चाहिए जैसा हम लेते आए हैं। तो यहां पर ये, और ऊपर भी सेम हम ये लेंगे, ये ले लिया है। अब इसको डार्क करेंगे, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को तो हम प्रॉपर डार्क करते चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमें जैसा दिखाया गया था असेंबली में, तो हम इसको यहाँ पर पूरा का पूरा डार्क कर देते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चीज़ डार्क हो गई। सेम बीच के पोर्शन पे हम यहाँ आए, क्या करेंगे, 2 mm का लेंगे इस तरफ, यहाँ पर हल्का सा ऐसे, और सेम अपोजिट साइड भी हम 2 mm का इधर ये दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या है, साफ्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको भी यहाँ तक डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारी लाइन डार्क होनी है, ये डार्क हो गई और यहाँ तक डार्क हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ दिखाई दे रही होगी। अब क्या करना है, ये जो है ये सेंटर लाइन तक डार्क हो जाएगा, बाकी का हिडन आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हिडन। सेम अपोजिट साइड भी ऐसा ही करेंगे कि सेंटर तक, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन तक डार्क कर देंगे, और सेंटर से जितना भी ऊपर से नीचे तक का है इसको फिर क्या कर देंगे, हिडन में कर देंगे। यह आ गया, तो ये इतना पोर्शन हिडन में आ गया, ये डार्क, क्योंकि हमने क्या है ऊपर के हिस्से को काट कर दिखा रखा है, नीचे को नहीं दिखा रखा, ये चीज दिखाई दे रही है। अब सेम यही पैटर्न अगर हम ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि अभी हमने यहां से काटा है तो उसको हमें की भी दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं, हम अपने आप को होल्ड करते हैं, और जो ये डिस्टेंस था, जो स्लोट का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस देखेंगे, तो वो भी कितना है हमारा, 26 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने 26 का डॉट, सेम ऊपर लेंगे हम 26 का डॉट,
और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड भी सेम हम यही करते हैं, 10, 20 एंड 25 एंड 26, और यहाँ पर 10, 20 एंड 25 और एक 0.6, सॉरी 25 एंड हाफ, ये आ गया 26 पे पूरा आ गया। ये लाइट लाइन ले ली, अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप बहुत मंदा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कोशिश करें बनाने की, मैं और आप वीडियो पूरी देखें तभी आपको मज़ा आएगा। और अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये है की हमने यहाँ तक डाल दी है, ये अप्लाई कर दिया है, तो अब बस यहाँ पर हम सबसे पहले की अप्लाई करते हैं। तो की अप्लाई का क्या प्रोसीजर होगा, ये लाइन ले ली, हाँ बुक में हमें थोड़ा सा 1 mm आगे दिखाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है, हम इससे टच करके बना सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड हमारी लाइन टच भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो की का डिस्टेंस था 1.3D था, तो उसके बेस पे हमारा 26 आता है, तो ये ले लिया हमने 26, सेम ऊपर भी हम ऐसा ही करेंगे, 25 एंड 26, ये आ गया। और नीचे का जो पोर्शन था की का, वो कितना था, वो था 24, यानी कि 1.2, तो यहाँ पर हम 24 ले लेते हैं, 2 mm का फर्क आता है। और यहाँ पर जो टेपर होगा इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं कुछ ऐसे, ये 2 mm का यहाँ पर और यहाँ पर ये गैप आता है, सेम 24 हम यहाँ पर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे। तो जैसे ही हम ज्वाइन करवाते हैं तो 2 mm का हमारे पास गैप आता है, ठीक है, हल्का सा गैप यहाँ पर आएगा, ये आ गया 24, ये हल्का सा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमारा गैप आया है ये आ गया, और शाफ्ट में हम नहीं दिखाएंगे, फिर स्लीव में दिखाएंगे बस हम, ये आ गया, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये गैप और ये गैप, ठीक है, हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं, ये आ गई। तो ये जो गैप है, जब हमने ये की डाली तो ये वो गैप है, और इधर से, तो यहाँ पर दो की यूज हुई है बट वन साइड वाली, इसमें टेपर सिर्फ इस तरफ है और इसमें टेपर सिर्फ इस तरफ है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब रहते हैं यहाँ हेड की बात, तो हम सर्कल मास्टर लेते हैं और ऐसे करके हम यहाँ पर ये ऐसे बना देंगे, ठीक है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर कंपास लें, ये हो गया। और सेम नीचे की तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, ये आ गया, और सॉरी हाथ हिल गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये हल्का सा इरेज हो जाएगा, कोई नहीं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्लीव को पूरा का पूरा जो स्लीव था हमारा उसको ज्वाइन करवा देना है, तो ये यहाँ से ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, तो हमारा यहाँ पर स्लीव भी रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं। अब स्लीव के अंदर जो ये वाली लाइन थी सेम, इसको भी हम ऐसे ही ज्वाइन करवाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया, ये पूरा पोर्शन ज्वाइन हो जाएगा, थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर क्या था, हल्का सा कर्व आ जाएगा, फ्री एंड भी ले सकते हैं आप प्रॉपर अगर आपका हाथ साफ है तो, और इस लाइन को ज्वाइन करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर दो शाफ्ट जुड़ी हुई है, ये ज्वाइन हो गया। अब ध्यान से देखें आप, ये पूरा स्लीव हो गया ऊपर, ये शाफ्ट नीचे की एक है, ये अलग है, इन दो को की के मदद से रोका गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी लूँगा, D20 है क्योंकि अभी तक हमने डी का यूज़ नहीं किया, तो D20 है, तो हम क्या करेंगे, 10 10 सेम इधर करेंगे हम, 10 इधर 10 इधर, और एक डार्क, और ये रेफरेंस लेंगे, इसको यहाँ ज्वाइन करवा देंगे फ्री एंड, सेम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सर हमने ये लेंथ कितनी ली, ये लेंथ कितनी ली, तो ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि शाफ्ट की लेंथ नहीं होती, डायग्राम के केस में दिखाने के लिए हम थोड़ी बड़ी छोटी ले सकते हैं, बट याद रहे एक्चुअल में डायमेंट जो होती है इसकी वो 7 मीटर से बड़ी शाफ्ट नहीं होती लाइफ में, जो रियल लाइफ में यूज होती है, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 10, बोथ साइड हम 10 10 लेंगे, और ये हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपनी मर्जी से 30 या 35 या 20 या जो आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको फ्री हैंड ऐसे मिला लेंगे, और इसको फिर हम ऐसे ऐसे ये दिखा देंगे, ठीक है, ये चीज़ बन गया, यहाँ पर ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें सेक्शन लाइन दिखानी है, जैसे कि ये सेक्शन लाइन दिखानी है, इसमें स्लीव में सारी जगह सेक्शन लाइन सेम आएगी, तो याद रहे सारी जगह सेक्शन लाइन सेम दिखाने की कोशिश करना आप ऐसे, ठीक है।
कहाँ कहाँ पे है स्लीव? तो यहाँ पर जितना भी था जो स्लीव है पूरा, एक तरफ हमने सारी की सारी क्या दिखा दी, यहाँ पर हैचिंग सेम दिखा दी है। अब हम शाफ्ट में दिखाते हैं कि शाफ्ट कैसी है। तो यहाँ पर एक फ्री हैंड लाइन ले लेंगे, एक लाइन यहाँ पर ले लेंगे। तो इसमें क्या करना है, हैचिंग दिखानी है। सेम ऐसा ही हम एक लाइन यहाँ पर ले लेंगे और एक लाइन यहाँ पर ले लेंगे। अब क्या रहेगा, अगर हैचिंग यहाँ पर ऐसी दिखाई गई है तो यहाँ पर हम ऐसी दिखा देंगे, ठीक है, इस साइड से ऐसे 45 पे, यानी कि अपोजिट साइड की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके हम हैचिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या है, हमने स्लीव की भी ये डायमेंशन, यहाँ पर जो हैचिंग लाइन थी इधर की हैचिंग ये बना ली है, इसकी हैचिंग जो थी ऐसे दिखा दी 45 में, और शाफ्ट की ऐसे हैचिंग दिखा दी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मली जो फ्रंट व्यू था फुल सेक्शन के साथ, ये हमने बना लिया। दूसरी चीज, यहाँ पर ये लाइन जो है ये डार्क हो जाएगी, इतना पोर्शन हिडन रहेगा बोथ साइड। और यहाँ पर क्या है, हमें टोटल था 8D लेंथ, यानी कि 160, तो हमें 160 करना है, यानी कि 90 इधर रखेंगे और एक सेकेंड, टोटल 7.6D है, तो 7.6D के हिसाब से 152 ये हमारा पूरा आ रहा है, ठीक है, ये आ गया है हमारा यहाँ पर। ऐसे करके हमें क्या करना है, डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट कर लेना है। शाफ्ट हमारी बड़ी छोटी होती है उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर शाफ्ट के लिए ये है ऐसे दिखा सकते हैं एक लाइन, क्योंकि ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। अगर डायमेंशन की बात करें, किसकी क्या डायमेंशन है, तो वो मैं आपको, मैं पहले भी 2D दिखा चुका हूँ, तो 2D व्यू को एक बार अच्छे से रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बेस पे बनाएं, अदरवाइज बुक है तो बुक में देख के बनाएं। अगर हम बात करें अब इसकी साइड व्यू की, तो साइड व्यू में क्या है, दो सर्कल आएंगे। नंबर वन, अगर मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है, सबसे पहला सर्कल बनेगा इसका, मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाने की कोशिश करूंगा, इसका आ जाएगा एक सर्कल जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा सर्कल जो बनेगा वो बनेगा इसका, यानी कि इससे इसका, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही फ्री हैंड हो गया है, ठीक है। तो एक सर्कल बनेगा बाहर वाले का ऐसे करके, एक सर्कल बनेगा इसका, उससे छोटा बनेगा शाफ्ट का, सिर्फ तीन सर्कल बनेंगे। सबसे अंदर वाले पे हिडन लाइन आ जाएगी और यहाँ पर की को हम साइड व्यू में हम की दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे करके हम की दिखा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऊपर का बाहर आ जाएगा, नीचे का हिडन में आ जाएगा। तो ये था आपका स्लीव, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।